जय मां कात्यायनी। मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा। और आज मित्रों दिनांक 18 दिसंबर 2017, दिन सोमवार। आज इस सोमवार के विशेष शुभ दिन पर, शुभ अवसर पर आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूँ, आप भी चौंक जाएंगे सुन करके और प्रसन्न हो जाएंगे इस ज्ञान से कि हाथ में अगर तिल हो, यानी कौन से स्थान पर हो, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। कौन सा स्थान है ये शायद जिज्ञासा के अंदर होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये जिज्ञासा जल्दी खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। किस प्रकार से समाप्त होगी ये आप जानेंगे। आप देखते हैं कि हमारे संपूर्ण हाथ में रेखाओं का होना, तिल का होना और विशेष निशान होना बहुत बड़े सौभाग्य का सूचक होता है, दुर्भाग्य का भी सूचक होता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको कि आपके हाथ में तिल कहाँ हो तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे कि इस हथेली से ऊपर उंगलियां आपकी सारी है। इन उंगलियों में जो सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली के मध्य पोर में, बीच में आप अगर गाढ़ा तिल बना हुआ है और ये तिल इसका उभार ऊपर की तरफ है, यानी समय के अनुसार तिल ऊपर और नीचे घटते बढ़ते भी रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तिल बना हुआ उभार ऊपर की तरफ है तो ये समझ लीजिएगा कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। अपने आप बिना मेहनत के, यानी कम मेहनत से ज़्यादा फल आपको मिलता है। शिक्षा व्यवस्था भी आपकी बहुत अच्छी होती है, संतान भी आपकी बहुत उन्नति प्राप्त करती है। कब? जब आपके इस उंगली में, इस मध्य पोर पर तिल होता है। क्योंकि ज्ञान तो अपार है, सीमाएं इसकी अनंत हैं, तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है मैं आपको प्रयास करता हूं कि आपको बताऊं उसके बारे में। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और विचार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत फोन लगाइए और संपर्क करें, जिससे मैं आपको इसका पूरा निराकरण कर सकूँ, बता सकूँ। तो आज इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं आपसे अगले विषय में मिलता हूँ, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।